तो स्वागत है दोस्तों और एक न्यू वीडियो पे जो कि होने वाली है स्कोडा कोडियाक के ऊपर। ठीक है, ये आपको BS6 फेज 2 के नॉर्म्स के साथ फुलफ़िल कर जाती है और इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ LN की रहने वाली है। और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर होने वाली है। और बात करूँ इसके फ्यूल टाइप की तो फ्यूल आपको पेट्रोल के अंदर ये मिल जाती है। टोटल इसमें 4 सिलेंडर का काम देखने को मिल जाता है। 2.0 लीटर का इंजन इसमें प्लेस्ड किया गया है। और चलिए इसका सबसे पहले मैं आपको इसका की चेक करवा दूँ तो की कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है जिसमें टोटल 3 बटन से स्कोडा प्रोवाइड करवा देती है, लॉक, बूट ओपन और अनलॉक। और पीछे में जाओगे तो इसमें स्कोडा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको ग्रिल का काम देखने को मिल जाता है, फुल्ली क्रोम गार्निश के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप जाओगे थोड़े नीचे में तो यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है, उसके नीचे में रेडिएटर ग्रिल का काम देखने को मिल जाता है जो कि हनीकॉम पैटर्न के अंदर होने वाली है। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ आप देख सकते हो। बम्पर आपको बॉडी कलर के अंदर होते हैं और वो भी डिज़ाइन वाले स्किट प्लेट के साथ, जैसे कि बाहर से किट लगवाते थे ना पहले बंदे दिल्ली में करोल बाग जाके, अब उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि फ्रंट में नीचे में आपको वेंट्स की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा सा एरोडायनामिक स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे आपको वाशर, आपको हेडलाइट वाशर भी प्लेस किया गया है इसके अंदर। और हेडलाइट की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, आपको डुअल यहाँ पे वर्क देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर लेंस के अंदर ये देखने को मिल रही है, LED फॉर्म में होने वाली है। आपको क्रिस्टल लाइन का लाइटनिंग का काम देखने को मिल जाता है इसके अंदर। DRL की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो और यहाँ पे कॉर्निंग लाइट की प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। नीचे जाओगे थोड़ा सा एकदम सटा हुआ है हेडलैम्प के नीचे, तो आपको वहाँ पे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दिख जाएगी। ठीक है, इस साइड भी आपको हेडलैम्प की वाशर दिख रही होगी, कुछ इस तरह का लुक देती है, ज़बरदस्त। और बम्पर की बात करें तो बम्पर भी बहुत अच्छा सा क्रेस लाइन का वर्क देखने को मिल जाता है सेंटर में, बहुत ह्यूज और बल्की लगती है, एग्रेसिव लुक देती है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं और साइड प्रोफाइल आपको चेक करवाते हैं कि क्या लुक दे रही है। बहुत ही लंबा गाड़ी है ये, देख लो क्या लुक दे रही है, अलॉय व्हील के साथ ज़बरदस्त जच रही है इसके ऊपर। मैंने बोला था कि ये LNK वेरियंट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, तो LNK की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट के फेंडर पर। प्रोफाइल की बात करूँ तो टायर प्रोफाइल इसमें 235x55 R18 इंच का अलॉय व्हील रहने वाला है जो कि सिल्वर में दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाते हैं और हालांकि इसमें चारों व्हील में आपको डिस्क का काम देखने को मिल जाता है। व्हील आर्च में आपको ब्लैक का पैटर्न देखने को मिल जाता है मैट ब्लैक के अंदर, ये देखिए। साइड क्लाइडिंग की बात करो, साइड क्लाइडिंग में भी आपको ब्लैक में मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे कुछ इस तरह का क्रेस लाइन का वर्क देखने को मिल जाता है, काफ़ी उभरा उभरा सा नज़र आता है, ये चेक कर सकते हो। डोर हैंडल्स की बात करो तो डोर हैंडल्स आपको चारों में आपको रिवर्स सेंसर में वर्किंग मिल जाते हैं देखने को। विंडो गार्निशिंग क्रोम के अंदर देखने को मिल जा रही होगी, ये चेक कर लो ऑल ओवर। ठीक है, विंडोज पैनल बहुत ह्यूज और बड़े हैं। थर्ड रो का भी जो पैनल दिया गया है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब जो थर्ड रो में बैठेंगे उनको व्यू लेने में कोई परेशानी तो होने से रही। रूफ लेंस की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे आप सनरूफ की प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। और पीछे जाओगे थोड़ा सा तो वहाँ पे शार्पिन एंटीना की प्लेसमेंट देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट दिख रही होगी जो कि इंटैक्ट है इसके साथ में, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के अंदर है, ज़बरदस्त लुक उसी के अंदर माउंट किया गया है। आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट और रियर विंडो में आपको रियर प्रोफाइल में चेक करवा रहा हूँ तो रियर प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। देखो ज़बरदस्त स्कोडा की बैजिंग इतनी बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। कोडियाक की बैजिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको 4x4 है ये, तो 4x4 की भी बैजिंग यहाँ पे मिल जा रही है। टोटल पीछे में आपको 6 पार्किंग सेंसर्स के साथ देखने को मिल जाती है, 4 यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, 1, 2, 3, 4, और साइड में भी है ये देखो, और उस साइड भी होंगे एक, ये देखो। टेल लाइट की बात करो तो टेल लाइट भी आपको क्रिस्टल लाइन टेल लाइट मिल रही है LED फॉर्म में, कनेक्टिंग LED फॉर्म में है, ये देख लो क्या ज़बरदस्त लुक दे रही है ना। बात करो इसकी LED की तो LED की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, इंडिकेटर की यहाँ पे दी गई है, रिवर्स की प्लेसमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट आप यहाँ दिया गया है, और हनीकॉम का भी पैटर्न पीछे में छोटा सा प्लेस किया गया है, ज़बरदस्त लुक दे रही है।
उसे नीचे जाऊंगा, बम्पर में आता हूं, तो बम्पर में आपको मैट ब्लैक का काम देखने मिल रहा है। उसके में आपको एग्जॉस्ट के जैसा डिज़ाइन दिया गया नीचे में, जो कि एग्जॉस्ट नहीं है, ठीक है, वो एफ1 एग्जॉस्ट का डिज़ाइन दिया गया, और वो भी ज़बरदस्त लग रही है कि दूर से कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि एग्जॉस्ट 12 एग्जॉस्ट का काम देखने को मिल जा रहा है। क्रोम एग्जॉस्ट की टिप आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेस किया गया, डुअल है, हालांकि डुअल है लेकिन वो जो दिया गया ना वो मतलब फेक है, ये तो डुअल है, ये देख लो, ठीक है। बस कैमरा में आपको यहाँ पे वाशर जेट मिल जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है, जब से कि आप गाड़ी चल रहा रहे हो और रेनी सीज़न में, और छोटा छोटा मॉलिक्यूल जब उड़ के ये कैमरा को ढक देता है तो वो उसके ज़रिए से वॉश हो जाता है। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, फीचर है, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल फीचर है, ठीक है। रियर विंडो की बात कर रहा था मैं, तो रियर विंडो में आपको डिफॉगर मिल जाता है। डिफॉगर कभी भी आप देखे होंगे ना, स्ट्रेट लाइन आपको कभी दिखा होगा, कभी भी इस तरह का डिफॉगर नहीं दिखा होगा कि लंबी लंबी लाइन बीच बीच में आपको बॉक्सी शेप में प्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेमलेस वाइपर पीछे भी देखने को मिल जाता है, फ्रंट में वाइपर आपको चेक करवा रहा हूँ मैं, फ्रंट के वाइपर में आपको फ्रेमलेस का काम देखने को मिल जाता है। 360 कैमरा देखने को मिल जाती है। ORVM की बात कर रहा था साइड प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल की ORVM में आपको कुछ इस तरह का बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाता है। यहाँ पे मैट ब्लैक का काम देखने को मिल जाता है। उससे नीचे में प्लेस्ड है इसके कैमरे, जो कि 360 के अंदर होने वाले हैं, और साइड में आपको वेलकम की लाइट दी गई है। तो चलिए इसके अंदर चलता हूँ और आपको चेक कराता हूँ इसका इंटीरियर किस तरह का प्रेजेंटेशन दे रही है। तो डोर को खोलते ही आपको सबसे पहले नजर जाएगी नीचे ग्राउंड में, तो स्कोडा की लाइटिंग यहाँ पे वेलकम लाइट यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर का भी काम देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर की प्लेसमेंट मिल गई है, यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। आपको 3 टच का काम देखने को मिल जा रहा है, 1 तो ब्लैक मिल रहा है, 1 ग्लॉसी ब्लैक मिल जा रहा है, और 1 बीच कलर में मिल जा रहा है, बाकी कुछ इस तरह का लुक प्रेजेंट कर रही है। स्पीकर एंड ट्विटर की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, बूट की भी आप यहाँ पे बूट अपना यहाँ से फंक्शन कर सकते हो, उसकी एक लिवर यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है, ठीक है। अनलॉकिंग लीवर की प्लेसमेंट आप चेक करो, यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन और कुछ इस तरह का स्टाइलिश वर्क देखने को मिल जा रहा है इसमें, और ये क्रोम के अंदर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप कैंटन की बैजिंग देख सकते हो, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ भी चेक कर सकते हो, और अंदर जाने से पहले मेरी नज़र गई है इस पर, 2 पैडल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल रही है, और 2 पैडल्स आप देख सकते हो, बहुत स्पोर्टी ये टच देखने को मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज बल्कि पैडल है, ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल, ठीक है। आप सीट्स का वर्क देख लो, तो सीट्स इसमें आपको लेदराइज मिल जा रहा है बेज कलर में, ब्लैक का भी इसमें टच देखने को मिल जा रहा है, मेमोरी फंक्शन के साथ आ जा रही है, और स्केट प्लेट भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, साइड में दिया गया है कोडियाक का, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, और अंदर जाने ते ही आपको दिखाते हैं कि किस तरह का लुक दे रही है। तो थोड़ा इसको सीट को पीछे कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। तो फुल्ली मैंने पीछे कर लिया सीट को, और भाई साहब क्या लग्जेरियस लग रही है बैठने में, ज़बरदस्त, ये देख लो। स्टेयरिंग आपको फुल्ली आपको लेदराइज रैप मिल रहा है, सेंटर में आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जा रही है, जिसके नीचे में आपको एयरबैग की इम्बोजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, जो कि माउंटेड है आपके स्टीयरिंग व्हील्स में, और राइट साइड में भी आपको कुछ वर्क देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे लीवर की बात करो तो लीवर आपको यहाँ पे वाइपर का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको क्रूज का मिल जाता है, ठीक है। क्लस्टर की बात करो तो क्लस्टर आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ, तो ऑन करता हूँ मैं, यहाँ इंजन स्टॉप का बटन यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये देखो 1 क्लिक से एसेसरीज मोड में, देखो ज़बरदस्त लुक देगी, प्लीज स्विच ऑन लाइट्स, ठीक है, कुछ इस तरह का लुक देती है। डैशबोर्ड का वर्क देख रहा हूँ, स्टिचिंग का वर्क पूरा टक इन किया हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क आपको देखने को मिल जा रहा है। वाइट में आपको हल्का वाइट नहीं है, ये ग्रेइश वर्क आपको स्टिचिंग के वर्क में देखने को मिल जा रहा है, ब्लैक के अंदर बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। आपको यहाँ पे भी स्पीकर की प्लेसमेंट दिख रही है, फ्रंट पे आपको डिफॉगर भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। और बात करें इसके सनशेड की, तो सनशेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो कि ब्लैक के अंदर है। यहाँ पे वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड करवा रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे LED फॉर्म में लाइट भी प्लेस किया गया है ऊपर में ड्राइवर साइड में, हालांकि जल्दी में ये देखने को नहीं मिलता है ग्रैब होल्डर। और बात करूँ इसके IRVM के, जो कि ऑटोमेटिक होने वाली है, ठीक है। रूफ लाइट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, चेक कर लो, ये देखिए फोकस लाइट दिया गया है,
ये देखिए एलईडी फॉर्म में, ठीक है। माइक की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, बीच में एक सनरूफ दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ। को ड्राइवर साइड में आते हूँ सनशेड में, तो सनशेड में आपको यहाँ पे भी वैनिटी मिरर के साथ एलईडी फॉर्म में लाइट मिल जाती है। ग्रैब होल्डर की प्लेसमेंट आप वहाँ चेक कर सकते हो। बात करो इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स देखिए कितना बड़ा सा है, कूल ग्लव बॉक्स इसमें मिल रहा है आपको, ये चेक कर लो। और उसके अंदर आपको हेलोजन फॉर्म में लाइट भी प्लेस किया गया है, इसके कारण आपको रात में बहुत हेल्प मिलने वाली है डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पे आप चेक कर लो, एक ग्लॉसी ब्लैक का टच यहाँ पे फुल्ली दिया गया है। चलिए आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जा रहा है। साइड में आप एसी वेंट्स की प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऑन करता हूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह का आपको काम देखने को मिल जाता है। अभी तो खैर ब्लूटूथ और सोर्स, यहाँ आपको नेविगेशन ऐप कार, ठीक है, मेन्यू सब कुछ मिल जाता है इसमें देखने को, जिसके अंदर रेडियो टेलीफोन नेविगेशन असिस्टेंस मीडिया स्मार्ट लिंक व्हीकल साउंड सब कुछ मिल जाता है। कार में मैं प्रेस करूँगा तो कार का व्हीकल का जो स्टेटस है वो इसमें बताएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो भी है इसमें सब बता देगा, ठीक है। ऑफ रोड अगर जाओगे तो ऑफ रोड में क्या आपको कितना टिल्ट हो रहा है, कितना आपको मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ये बता देगा। सिलेक्शन में जाओगे तो वर्चुअल कॉकपिट ड्राइविंग डेटा व्हीकल स्टेटस सब कुछ ये बता देता है। चलिए इसको बंद करते हैं और बताते हैं आपको एक और चीज़ जो मेरी नज़र पड़ी है इस पर, ये पार्किंग कैमरा, यहाँ पे पार्किंग का कैमरा दिया गया है, ये चेक कर लो। मैं प्रेस करूँगा तो 360 ऑन हो जाता है इसका कुछ इस तरह से, और ज़बरदस्त लुक देता है, ठीक है। ये देखो है ना, ज़बरदस्त लुक दे रही है। चलिए इसको बंद करते हैं और यहाँ पे पार्किंग असिस्टेंट, यहाँ पे पार्किंग असिस्ट भी दिया गया है टॉगल स्विचेस के अंदर, एक्शन एंड यहाँ पे हैजार्ड लाइट, यहाँ पे आप देख चेक कर सकते हो लॉक, पैसेंजर एयरबैग, ठीक है, ऑफ, ये सब चीज़ दिया गया है। एसी की बात करूँ तो एसी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में मिल जा रहे हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी वर्किंग देखने को मिल जाता है, इस मिल जाता है जो कि ट्रे के टाइप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्लाइड फॉर्म में पीछे चला जाता है और इसके नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है, टू टाइप सी सॉकेट के साथ 12 वोल्ट का भी सॉकेट इसमें मिल जाता है आपको देखने को। और यहाँ पे मैट का काम देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है, ये ग्रैब होल्डर की तरह भी आपको काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्लॉसी टच ब्लैक का टच देखने को मिल जाता है। बात करो इसके गियर नॉब की, तो गियर नॉब में भी स्कोडा और 4x4 का इम्पोजिंग देखने को मिल जाता है, और बहुत अच्छा सा मतलब गियर नॉब है, बहुत प्रीमियमनेस देखने में लगता है दिया गया है। ऑफ रोड का स्विच, ट्रैक्शन, पार्किंग, मोड्स में आप जाओगे तो मोड्स में क्लिक करूँगा तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप चेक कर सकते हो। इको, इसमें चार मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें इको, कम्फर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्नो में आ रही हूँ। तो रियर रो में जाने से पहले मैं अपनी सीट को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट इसमें प्रोवाइड करवा रही है स्कोडा कोडियाक में। तो चलिए इसको बंद करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि क्या लुक दे रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल में आपको वहीं सेम लुक प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे पीछे में आपको सन ब्लाइंड भी प्रोवाइड करवा रही है जो कि हेल्पफुल रहता है, आपको बहुत बचाता है ये गर्मियों में, ठीक है। क्या फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, हार्ड टच एंड सॉफ्ट टच को दोनों मिक्स करके। स्पीकर की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो, ट्विटर की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट आप यहाँ देख लो, ये देखो ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए इसके अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ये लेग रूम प्रोवाइड करवा रही है। भाई ज़बरदस्त ये लेग रूम प्रोवाइड करवा रही है, ये देखो बहुत है, और आगे एकदम चला जाता है पैर और आराम से आप बैठोगे। हेडरेस्ट आपको फ्रंट में एडजस्टेबल मिल जाते हैं, रियर में भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं, यहाँ से देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। आपको सेंटर में वाला जो सीट है उसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में आपको हैंडरेस्ट मिल जाते हैं जिसके अंदर ही आपको कप होल्डर की भी प्लेसमेंट दी गई है, ये कुछ इस तरह से बंद भी हो जाता है और यहाँ पर इतना स्पेस बन जाता है जिसमें आराम से तीन लोग बैठ के जा सकते हैं। सेंटर की बात करो जहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया था वहाँ पे आप दो वेंट्स की प्लेसमेंट देख सकते हो, यहाँ पे उसका कंट्रोल्स है, 12 वोल्ट की सॉकेट भी यहाँ पे प्लेस्ड की गई है। उस साइड के पैनल में भी आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी और ट्विटर की प्लेसमेंट वहाँ चेक कर सकते हो। थर्ड रो की बात करो तो थर्ड रो आपको 50:50 रेशियो में फोल्ड हो जाता है और कुछ इस तरह का व्यू देता है, ये देखो। थर्ड रो में भी आपको सीट बेल्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है,
कुछ इस तरह से। और वहाँ पे भी आप 12 वोल्ट की सॉकेट चेक कर सकते हो, और साइड में वहाँ पे लैंप की भी प्लेसमेंट दी गई है जो कि फोकल में होने वाली है। और ज़बरदस्त ये काम देखने को मिल जाता है कोडियाक में, ठीक है। और साइड में आपको वहाँ पे कप होल्डर्स की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इस साइड में आपको फ़ोन रखने की जगह मिल जाती है। क्वार्टर पैनल कुछ इस तरह है, अंदर का व्यू मतलब अंदर से व्यू देता है बाहर की ओर, गजब का नज़ारा है देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बूट में, और बूट तो दोस्तों इसके बूट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ इसके की के ज़रिए से, और कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। एक मिनट रुको, यहाँ पे बटन दिया गया है उसको होल्ड करके रहूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है ये देखो हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए से आपको ईजिली ओपन हो जाता है, और कितना स्मूथली बटरी ओपन हो जाता है। 270 लीटर्स के अंदर आपको इसमें बूट स्पेस प्रोवाइड करवा रही है स्कोडा कोडियाक। और यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है इसके नीचे, ठीक है। अभी नहीं है, अभी यहाँ पे रखा गया है, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। और बूट लैंप आपको LED फॉर्म में ही देखने को मिल जाते हैं, बाकी आपको हुक देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर साइड में, चेक कर लो हुक दोनों साइड में दिया गया है। व्हील की प्लेसमेंट आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे दी गई है इसके नीचे में हमने को ये देखो, ठीक है। और बाकी सारे टूल्स की भी प्लेसमेंट इसके नीचे प्रोवाइड करवा रही है। तो इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो इलेक्ट्रिकली इसको फोल्ड कर देता है, और बहुत स्मूथली और बटरिंग विदाउट एनी साउंड आपको ये बंद हो जाती है। देखिए ये देखिए वैक्यूम के ज़रिए। तो चलिए इसके इंजन हुड को ओपन करते हैं। तो इसका इंजन मैंने हुड ओपन कर लिया, और हुड आपको हाइड्रोलिक के अंदर देखने को मिल जा रही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी वो डंडा लगाने की। ये देखो आपको हाइड्रोलिक का काम देखने को मिल जा रहा है, काफ़ी नीट एंड बल्कि भारी से इंजन देखने को मिल जाता है। सामने में इंजन का कवर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन होगी इंजन की, जो पावर से रिलेटेड और टॉर्क से रिलेटेड होगी, मैं आपको ऑन स्क्रीन मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप वाशर फ्लूइड की प्लेसमेंट वहाँ चेक कर सकते हो, इंजन मोबिल इंजन की ऑयल की प्लेसमेंट वहाँ चेक कर सकते हो, देख लो, ठीक है। इस तरह से ABS EBD की प्लेसमेंट वहाँ चेक कर सकते हो। तो चलिए इसको बंद करते हैं। बात करो इसके ऑन रोड प्राइसिंग की या एक शोरूम की, तो वह मैं ऑन स्क्रीन आपको मेंशन कर दूंगा। तो सेफ्टी के बारे में बता रहा था, सेफ्टी में आपको 9 एयरबैग्स ABS EBD हिल असिस्ट हिल डिसेंट आपको ESC EBD देखने को मिल जाते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल पे बने रहना, धन्यवाद।